कौन सा पार्ट? बोलो, बुकलेट है मेरे पास। तेरा नोट हाँ हाँ बना वो खोल दिया हूँ, तुम लोग बताओ ना कौन सा पेज पे जाना है, कौन सा क्वेश्चन पे जाना है। था। H1 से चालू करते हैं किधर से? तो हाँ बताओ। मुझे 10th में रहा था। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 वो है क्या? वो बोला ना, कंसिडर द फॉलोइंग पीएच बीआर के साथ एमजी, वो सर। बोला ना। हाँ यस हाँ ठीक है, चलो। ये है तुम्हारा कौन सा, ये है एक्सरसाइज 1A। अच्छा, पीएच बीआर के साथ क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ग्रिग्नार्डीजेंट बनाएगा, ग्रिग्नार्डीजेंट बनाएगा, ये पीएच माइनस होगा, ये अब अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा? CH3, CH2O को अटैक करेगा। अटैक कहाँ करता है? जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है। ठीक है, और बाद में इसमें तुम डाल दिए NH4Cl या पानी डाल दिए, तो पानी को H लगा करके ये बन जाएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर चेक करो, आंसर शुड बी बी। क्लियर है ये? किसका भी डाउट यस था? अच्छा, 10th वाले का डाउट क्या होगा 10th वाले में? अच्छा, इसका 1% करेंगे तो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन क्या होता है? एल्काइन का हाइड्रेशन करोगे तो याद है, पहले इनॉल बनाते हैं और फिर टॉटोमराइज कर देते हैं। टॉटोमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा? और ये एच है यहाँ पर, सॉरी। टॉटोमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा। इस CH3CHO में तुमने फिर से ग्रिग्नार्डीजेंट डाल दिया। CH3- क्या करेगा, किसको अटैक करेगा? CH3- अब इसको अटैक करेगा। और बाद में क्या लोगे इसमें? पानी डालोगे तो एच बन जाएगा। क्लियर है? किसका डाउट था ये? यस सर क्लियर। मैथ्स क्लियर है? और बताओ कौन सा। इलेवेंथ में सी में रिएक्शन क्या होगा? मतलब वो समझा नहीं मुझे। 11th में दैट इज ऑक्सी मर्करेशन डी मर्करेशन। तो 11th में अगर देखा जाए तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा H, यहाँ लग जाएगा OH। आंसर क्या पूछ रहा है वो? हाँ यस, आंसर सी ही होगा। HgOH2 क्या करता है? दैट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। समझा? ओके सर। और बोलो। क्वेश्चन 21 ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अच्छा, 21 वाले में सबसे पहले तुमने ग्रिग्नार्डीजेंट के साथ रिएक्शन किया। ग्रिग्नार्डीजेंट क्या करेगा? ये जा करके सबसे पहले तो CH3MgBr के साथ ट्रीटमेंट करेगा। फिर ये जाकर बनाएगा HBr के साथ रिएक्शन करेगा। फिर ये मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करे, नहीं, अरे यार, HBr है ना? ओह ठीक है ठीक है, पहले तो ये CH3- और H3O+ है ना, H3O+ भी है ना, तो यहां पर ये OH लगा देगा। उसके बाद HBr के साथ क्या रिएक्शन होगा, याद आ रहा है? HBr के साथ रिएक्शन, HBr इसको प्रोटोनेट करता था, H2O निकलता था, पॉजिटिव चार्ज आता था, वहां पर Br लगता था। क्लियर है ना? ROH+HBr वाला रिएक्शन, RBr। उसके बाद आपने मैग्नीशियम ईथर डाला, मैग्नीशियम ईथर डालेंगे तो यहां पर क्या होगा? फिर से बन जाएगा ग्रिग्नार्डीजेंट। इसके बाद तुमने डाला है फॉर्मेलडिहाइड HCHO,
तो ये इस पर अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एमई सी ओ माइनस एच एच। इसके बाद तुमने फिर से हाइड्रोलिसिस भी कर दिया है, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डाल दिया है, तो पानी क्या करेगा, यहाँ एम ई हो गया, यहाँ सी एच टू ओ एच हो गया, और उसके बाद आपने डाला है एच आई, एच आई क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद अब इसका क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, तो ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट, बहुत सही। ताकि एमई पर आए पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद फाइनली इस पर आई माइनस लग करके आपका फाइनल आंसर ये होगा। सो आंसर शुड बी डी। सर व्हेन एजाई अटैक्स हमने SN1 कैसे डिसाइड किया, सो 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं नहीं 1 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर थोड़ा सा SN2 डोमिनेट करना चाहिए, नहीं 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 यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इस लेवल पर, देखो ना 1 डिग्री कैसे, 1 डिग्री के देखो वो वाला पार्ट जो है कि बगल वाले कार्बन पे याद है एमई एमई रहता है, तो ये SN2 शो नहीं करता है, याद आ रहा है? अच्छा हाँ याद है, ये तो वैसा ही यूनिट है, इसके कार्बन पर मिथाइल है और ये दोनों ग्रुप्स तो हैं ही अगल बगल बड़े बड़े हैं। क्लियर है? यस। और बोलो कौन सा, स्क्रीनशॉट ले लो। और बोलिए। तो HA2 में था फिर? हाँ ठीक, मैं HA2 पर ही हूँ, बोलो कौन सा करना है इसमें। तो थर्ड वाला एक्सरसाइज 1B वाला ना, HA2 हमारे इधर होम असाइनमेंट 2, वो मेरे बुकलेट में 1B लिखा हुआ है, वो वाला रिएक्शन है क्या, वो HCl1 इक्विवेलेंट वाला? नाइस सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस RMGX वो है? रुको रुको मैं देखता हूँ। अरे यार बुकलेट में थोड़ा अलग दिया है क्या, मैं अलग आ गया। अच्छा कौन सा था, कौन सा थर्ड वाला? होम असाइनमेंट 2, हां थर्ड। यार होम असाइनमेंट 2 तो मेरे में लिखा नहीं है, रुको तो एक चीज देखता हूं, रुकना रुकना बस। Art. Which are the following? Yes, yes, Steve. अच्छा इधर देखो, थर्ड वाले में तुम्हारा 3 मोल देने के लिए तुम्हारा ये ऑप्शन देखो, बहुत मस्त ऑप्शन दिया हुआ है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास H है, C है, तो कितने एसिडिक एच है चेक करो। तो अगर यहां पर मैं डालूं, कितने एसिडिक एच है, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो इसका मतलब 3 क्लियर हो गया, 3 मोल मिलेगा। और बोलो क्वेश्चन 12। हाँ सिक्स्थ वाले में, अच्छा सिक्स्थ वाले में सिंपल सा चीज देखो, अगर तुम डी वाले ऑप्शन को डिहाइड्रेट किए, अरे यार मस्त बेंजीन की एरोमेटिसिटी मिलेगी, क्यों नहीं चाहेगा वो, अगर तुमने उसका डिहाइड्रेशन किया
प्लस आएगा, रेजोनेंस भी है मतलब प्रोटोनेट होकर के, और फिर सी प्लस के बगल वाले कार्बन का एच हट करके जो ये आपको बेंजीन जैसा स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसका डिहाइड्रेशन का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा ना सर? जो ए का, ए ऑप्शन का सबसे लीस्ट होगा। ए ऑप्शन तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। ए ऑप्शन तो एक तो सबसे ऑलरेडी स्टेबल, हाँ ऑलरेडी एक स्टेबल है। दूसरा बात, ये तुम जो H+ का प्रोटोनेशन करते हो, ये लोन पेयर तो पहले से ही थोड़ा रेजोनेंस में है, तो एक तो इसकी बेसिसिटी ऐसे भी कम है, पहले तो वहां हार गया। दूसरा बात ये है, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लीविंग टेंडेंसीज भी कम है, लीविंग टेंडेंसी भी कम है हर मामले में प्रोटोनेशन किए। एक तो वहां तुमने थोड़ा सा इलॉजिकल बात, मतलब कोई अगर कर रहा है तो वो बेसिसिटी उतना ज्यादा नहीं है, चलो मान लिया कर भी दिया, फिर अगर वो तोड़ता है इसको तो बोलेगा अरे टूटना भी मुश्किल है भाई, बिकॉज पहले से बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज थे। दूसरा, अगर कोई तोड़ता भी है, मान लो दूसरा एक और काम कर दिया, बोले सर मैं तोड़ के रहूंगा, यार तो तुम ये बना दिए, ये कितना अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, मतलब गलतियों पे गलतियों पे गलती है गया। तो आंसर इज डी। क्लियर है? क्लियर है जी सर? जी सर। हाँ और बोलो कौन सा? टेंथ वाला। टेंथ, अच्छा टेंथ वाले में सिंपल तुम क्या करो, तुम उठाओ डिहाइड्रेशन कराओ। अच्छा प्रोटोनेशन तो कर ही लोगे, वो तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोटोनेशन कर ही लोगे। उसके बाद तुम कौन सा शिफ्ट कराओगे, चेक करते हैं। उसके बाद चेक करो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे क्या? हाइड्राइड शिफ्ट अगर कराएंगे, चेक कर रहे हैं, CH3 बनेगा, यहाँ प्लस आएगा मेरे ख्याल। हाँ बोलो। और ये मेरे ख्याल से C प्लस के बगल वाले कार्बन का, अच्छा एक बार और शिफ्ट होगा क्या, देखते हैं और शिफ्ट होगा क्या, ज्यादा स्टेबल बन रहा है क्या मिथाइल शिफ्ट में? मुझे तो लग रहा है और शिफ्ट होगा यार, चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा क्या, चेक करने दो, रुको। 3, 2, 5 C प्लस के बगल वाले कार्बन का एच तो यहाँ 3, 1, 4 है, और यहाँ पर अगर शिफ्ट करोगे तो बन तो रहा है CH, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है यहाँ वाला, देखो रुको एक चीज करने दो मुझे, उन्होंने पहले ऑप्शन में तो दिया नहीं है उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने शिफ्ट नहीं कराया है, लेकिन रुको पहले देखते हैं, फिर आंसर्स चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का एमई, अगर ये आंसर आ गया, इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इसका ट्रांसफॉर्म स्टेबल होगा, ट्रांसफॉर्म स्टेबल होने का मतलब है ये दोनों अलग अलग रहेंगे CME3 और एमई, CME3 और एच रहेगा अलग अलग। आंसर ए दिया हुआ है क्या, चेक करो तो, आंसर ए है क्या? Yes. ये है, yes. ये समझा? वैसे मुझे इस पॉइंट पे लगा था कि हाइड्राइड शुड भी होना, मिथाइल शुड भी होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा स्टेबल बन रहा है पहले से, लेकिन चलो उन्होंने ऑप्शंस में ऐसा दिया नहीं है, उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ द ऑप्शंस। अच्छा हम लोगों ने ए ऑप्शन ही क्यों चुना, बिकॉज ट्रांसफॉर्म ज्यादा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? और बोलो, और बोलिए। 12th ट्वेल्थ वाले में ज्यादा एसिडिक देख लो कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा कि
ETO माइनस ज्यादा स्टेबल होगा यार, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है ना, तो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगा ना, इधर ज्यादा रहेगा ना, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन बी लेस देन वन, आंसर सी होना चाहिए। और बताओ 18 सर 17th भी है 70, चलो 18 कर लेता हूँ फिर 17 कर लेता हूँ। अच्छा मुझे ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये दिखा रहा है, तो यार ऑक्सैलिक एसिड के साथ तुम्हारा ए डालने से ये बन जा रहा है, अब ये मुझे याद दिला रहा है किसी एस्टर का, सॉरी हाँ एस्टर, तो जरूर ये कोई अल्कोहल होगा, नहीं से हिंट मिल गया, ये एस्टर है, डाई एस्टर दिख रहा है तो जरूर एसिड भी डाई वाला है, अल्कोहल होगा तो जरूर ए क्या होगा, ए होगा इथाइलीन ग्लाइकोल, जरूर ये इथाइलीन ग्लाइकोल होगा। अरे रिएक्शन याद आ रहा है, इसको एस्टरीफिकेशन बोलते हैं ना, हाँ सर, तो यहां से हम लोग ने हिंट लिया तो ए तो हम लोग को मिल गया था इंग्लैंड को, तभी तो ये बना होगा। हम लोग को ये मिल गया, अब ए में तुम डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसल्फेट, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इथाइलीन ग्लाइकोल में जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसल्फेट डालते हो, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बाहर निकल करके ये कंपाउंड बनाता है ये, और इस कंपाउंड का नाम होता है डायोक्सेन, तो आंसर शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मुझे तो देखी के कुछ कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि देखी के दिमाग में आना चाहिए कि ये बनाएगा, समझा? Yes, sir. चलो और कौन 17th भी था ना, अच्छा 17th वाला तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर है, कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर के साथ तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सीधा चमकना चाहिए कि सर OH OH बना रहा होगा, ठीक है, उसके बाद तुमने डाल दिया है CrO3, दिस इज जोन्स रिएजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मिल करके H2CrO4 बनाता है, एसिडिक मीडियम है याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये 3 डिग्री को नहीं करता है ऑक्सीडाइज, 2 डिग्री को कर देगा, सर 3 डिग्री को करता है ना सर, नहीं नहीं 3 डिग्री को कोई नहीं किया है, 3 डिग्री को कोई नहीं किया है, बहुत हाई कंडीशंस में थोड़ा बहुत KMnO4 कोई नहीं किया है, देखना ध्यान से, ओके सर, देखना नोट्स में, ठीक है, Yes. और इसीलिए तुम्हारा आंसर हो जाएगा कौन सा, योर आंसर विल बी ए शायद, यस क्लियर है, चलो और बोलो सर 20th कर सकते हो, हाँ 20th तुम लोग का आइडोफॉर्म हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक हो चुका है ना, आइडोफॉर्म हो चुका है सर, हाँ सर हो चुका, हाँ ठीक है, चलो 20th वाले में क्या है, हाँ अभी तो हो जाना चाहिए, वही तो अभी तक तो हो जाना चाहिए, तो भूल ही गया था कि ऑर्गेनिक अभी तक आइडोफॉर्म तो नहीं ही चल रहा होना चाहिए, अच्छा I2NOH दिमाग में आता है कि यार दिमाग में एक ही चीज बल्ब चमकता है, वो है आइडोफॉर्म रिएक्शन, जरूर आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या करता है, अगर आप लोग को मालूम हो तो पहले इसको ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ हम लोग को बहुत प्यारा सा COCH3 दिखता है, तो ये यहां से देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये तो बन गया प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के बारे में तो हम लोग से कोई सवाल पूछा जा नहीं रहा है, इसमें डाल दिया H+ और हीट, बहुत अच्छा, H+ डालने का मतलब है बेसिक मीडियम को खत्म कर रहा है, और क्या कर रहा होगा, H लगा रहा होगा, और उसके बाद ये मुझे दिमाग में आता है बीटा कीटो एसिड,
अगर आप लोग को याद हो तो बीटा कीटो एसिड में ये अल्फा ये बीटा इसको गर्म करने से सीधा CO2 बाहर, फाइनल आंसर ये होगा, आंसर इज ए। यस सर, थैंक यू। और बताओ सर। 23 में MnO2 जो है इसको याद रखना, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है एलाइलिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ये दिमाग में दिखाई पड़े ना MnO2, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि एलाइलिक अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करता है, बस काम वहीं खत्म। कैसे? एलाइलिक कौन सा है? यही वाला एलाइलिक है, एलाइलिक समझते हो ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का, इसको सीधा ऑक्सीजन करो। यस, वेरी गुड। और ये बना दो, आपका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर ए ही दे रहा है, बुकलेट को ए से प्यार है, तो हम लोग को भी ए से प्यार होना चाहिए। बताओ और कौन सा क्लियर है ला, जिसका डाउट था। MnO2 ऑक्सीडाइजेस स्पेसिफिकली, ये दिख लीजिएगा, ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। और बताइए 25 वाले में मिथॉल, अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट, मिथेनॉल में अगर तुम डालोगे NaOHI2 तो ये ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इथेनॉल में अगर डालोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिमाग में चमकाइए कैसे करते थे, इसमें अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट डालोगे तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके ये एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड जैसे ही बना मेंटोस चमकना चाहिए, बत्ती खुले दिमाग की, याद आ रहा है? ये दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो बोथ ऑफ देम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अरे वेरी गुड, इसका भी ऑप्शन है। क्या हो रहा है? ए पे ए, ए पे ए, आंसर ए है। ये समझा किसका डाउट था? यस सर। और बोलो सर। एच थ्री से सेकंड वाला। ओके, अब सेकंड वाले की बारी, टू ब्यूटीन। ओके, टू ब्यूटीन। अच्छा, टू ब्यूटीन को जब अलाउ करेंगे रिएक्शन में, ये है CF3CO3H, CF3CO3H का मतलब है जरूर इपॉक्साइड बना रहा होगा, ये इपॉक्साइड बनाता है। कृपया एल्कीन के नोट्स देखें, और उसके बाद जब LiAlH4 डाला होगा, तो LiAlH4 तो फेमस है हाइड्राइड देने के लिए, आया होगा सीधा अटैक मारा होगा, बाहर निकाला होगा। रिंग की हालत ऐसी ही खराब है, थ्री मेंबर्ड रिंग है, अटैक करके बाहर निकाल दिया, और उसके बाद वहां जो आपने पानी डाला तो उस O- को वापस H लगा दिया। सो इसका आंसर ए है क्या? ना, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर सी है। वेरी गुड, चलो थोड़ा सा अंतर आया। और बोलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी में क्या होगा, एक बार बता सकते हो आप? हाँ, Al2O3 जहां दिखाई पड़ता है, ध्यान देना, Al2O3 is a dehydrating agent, इतने हाई टेम्परेचर्स पे वो डिहाइड्रेशन करा देता है। ओके सर, ठीक है। यस, और बोलो और किसी का कोई शंका? सेवेंथ में शंका है, सेवेंथ वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। डाई इथाइल इथर जो है उसको जब बहुत बार करते हैं, यस, अच्छा ये सॉल्ट एनालिसिस में करोगे, होता क्या है, अगर उसमें पेरोक्साइड हुआ, ठीक है, तो पेरोक्साइड Fe2+ को, होता क्या है ना, ये जो इथर है, इथर एयर के साथ, इसको छोड़ दो बस लैब में,
तो ईथर देखो दिखा भी हुआ, तो कहानी में क्या सुनाऊंगा तो खुद ही लिख दिया, ऑन बीइंग एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें कुछ पेरोक्साइड बन जाता है। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट कि मैकेनिज्म कैसे बना है। अब वो पेरोक्साइड्स एक्सप्लोजिव होते हैं, अगर आप ईथर के साथ लैब में गए रिएक्शन करने और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उस ईथर में से पहले से कुछ पेरोक्साइड आ चुका है ड्यू टू सम डिकम्पोजिशन बाई एयर विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, मान लेते हैं पेरोक्साइड बन गया, तो पेरोक्साइड्स के बॉन्ड वीक होते हैं और वो तो खतरनाक एक्सप्लोजन कर देंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो ईथर लैब में यूज किया जाए कि नहीं। इसका मतलब आपको ये कंफर्म करना है कि उस ईथर में पहले से कोई पेरोक्साइड लिंकेज या H2O2 नाम का चीज है कि नहीं। आप Fe2+ डालते हो, Fe2+ को ये कर देता है ऑक्सीडाइज Fe3+ में। थोड़ा सा तुमसे क्या बोला जाएगा, ईथर लो और यूज करने से पहले थोड़ा पहले Fe2+ डालो। अगर Fe2+ हुआ, सॉरी अगर पेरोक्साइड अंदर में हुआ तो Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि आप डालिए KCNS। और अगर तुमको Fe3+ के साथ ये आता है तो ये एक ब्लड रेड कलर दिखता है, तो समझ जाना कि आपका जो पेरोक्साइड है, जो ईथर है, उसके अंदर पेरोक्साइड पड़ा हुआ है। और अगर वो पेरोक्साइड पड़ा हुआ है तो आपको बोला जाएगा उस ईथर को कृपया यूज ना करें। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सॉल्ट एनालिसिस में करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हुआ? यस सर। चलो और बोलो। 19 ना? यस सर। फैक्चुअल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ईथर को जब हीट करते हैं, ईथर है ना, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 है, बेसिकली P4A10 ही हो गया। ये डाई एल्काइल सल्फाइड बनाता है क्या? शायद ये बनाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा इसको। बी आंसर है क्या? चेक करो तो। यस सर। हाँ फैक्चुअल है, याद रखिएगा। सब 16 कर सकते हो। 16th वाले में क्या पूछ रहा है? कंसीडर द रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, तुम सेकेंड वाले का डाई आयोडाइड बनाना है, तुमने जब उसको HI के साथ ट्रीट करोगे तो HI के साथ ट्रीट कर दिया, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मान लिया भाई। मैकेनिज्म जानते हो ना, मैकेनिज्म में क्या होगा, प्लस आएगा फिर ये बॉन्ड ब्रेक। हाँ सर वो है। हाँ, सर। वो आ गया। लेकिन क्या इसका वापस HI के साथ कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? नहीं सर। बिकॉज अगर ये अभी जैसे हम लोगों ने किया था H2O+, क्या करोगे, निकालोगे तो क्या प्लस बनाओगे? क्या प्लस तो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा ये रिएक्शन, याद रखना ये नहीं होता है। फिनॉल पर HI का रिएक्शन नहीं होता है, ये मत कर दीजिएगा कहीं। तो कौन सा डाई आयोडाइड बनाएगा? पहला वाला बनाएगा, टू वाला नहीं बनाएगा। आंसर विल बी सी। क्लियर है? हाँ जी सर। और बोलो। सर होम असाइनमेंट 4-5 तरफ 9th बता सकते हो इस? हाँ 9th। ओके 9th वाला ना। हाँ 9th वाले में क्या है, देखो अब यहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शंस भी उठाकर देखने पड़ते हैं। उसने दिया हुआ है H+, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। अब इस एसिडिक मीडियम क्या करेगा, सबसे पहले जाकर के आप लोग एल्कीन तो जानते ही हो, एल्कीन है इलेक्ट्रोफिलिक साइट, तो जाकर के H+ जाकर के यार इसके पास अटैक कर सकता है। ठीक है, कर दिया। पॉजिटिव चार्ज यही बनाते हैं, क्यों बनाएंगे, ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन। ठीक है सर, बना दी। अब बगल में ही इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यही इंट्रामोलिकुलर अटैक कर सकता है ना। वन टू थ्री फोर फाइव
यहाँ OH है, यहाँ प्लस है, यही अटैक कर जाएगा। और आपको इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, और फिर इस हाइड्रोजन का तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो जब देखो इसको निकाल दो तो फाइनल आंसर बन जाएगा एक सिक्स मेंबर रिंग जिसके बगल में मिथाइल। मेरा आंसर फिर से ए, ये समझा? यस क्लियर है? और बोलो होम असाइनमेंट कौन सा? सॉरी एक बार आप 22nd में सर वो बता सकते हो मुझे वो सेसर ट्रांसफर कौन सा रियल अरेंजमेंट का उसमें प्रॉब्लम हो गया सर? 22nd वाले में यार देखो यहाँ पर तो इन्होंने एग्जैक्टली ये एमी ऊपर है कि नीचे है ये तो दिख नहीं रहा है यार, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं। चलो इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कि एमी कहाँ है, इनको तो डार्क और डैश वैश देना चाहिए, बट चलो फिर भी एक काम कर लेते हैं, कुछ तो मान के चलते हैं, बिना माने तो कुछ होगा नहीं। ये है तुम्हारा मिथाइल, मिथाइल पर अगर CH3 को माइनस करेंगे तो ये तो अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। एक चीज तो पक्का है, ये कहां अटैक करेगा? CH3 और OH ये तो ऑपोजिट रहेंगे। मुझे मालूम नहीं है मिथाइल ऊपर है कि नीचे है, पहले बात तो ये मुझे क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है। उसको डार्क देखना चाहिए था, ये कुछ देना चाहिए था, मुझे पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है वो, बट इतना पक्का है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो भी बॉन्ड है इसके 180 डिग्री ऑपोजिट से करेगा। तो अगर मान लो ये बॉन्ड ऊपर होता तो नीचे से करता, तो OME बी जो ए ऑप्शन है उसमें OME और OH ऑपोजिट तो होने चाहिए, इतना पक्का है। समझ में आ रहा है? जो भी ऑप्शन है उसमें OME और OH ऑपोजिट होने चाहिए। ए ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कट ही गया, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज OME और OH एक साइड है। तो आंसर या तो मैं बी बोलूंगा या तो सी बोलूंगा, ठीक है? उसमें भी OH के साथ लगा होना चाहिए मिथाइल, ठीक है? OH के साथ मिथाइल तो हो सकता है। अगर इसी में मैं एसिडिक मीडियम में करूं तो रिएक्शन हो जाएगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस जहां ज्यादा है वहां अटैक करेगा। मान लो फिर से अगर प्लेन के नीचे से अटैक किया तो एम ई आएगा, तो जो बी ऑप्शन है उसमें OME और OH अलग होना चाहिए। बी ऑप्शन में OME और OH डिफरेंट होना चाहिए, बी ऑप्शन गलत है, सॉरी हाँ मुझे लग रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो गलत मैच कर रहा है, सी ऑप्शन का बी प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है। OME का होना चाहिए OME के साथ कॉम्बिनेशन, आंसर बी होगा। आंसर क्या दिया वैसे करो तो? सर बी है, सर बी आंसर। ये समझ में आया? हां जी सर। और बोलो और बोलो जल्दी से। 4 का 5 और 6 होम असाइनमेंट, 4 का 5 क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन दे रहा है तो जरूर OH ग्रुप तो सभी में है यार, उसमें क्या है? ट्रीटमेंट विद Br2 ओरिजिनल कंपाउंड हैज अ स्ट्रक्चर, सॉल्युबल है डाइल्यूट एक्वस NaOH में। यार सॉल्युबल होने का मतलब है जरूर वो फिनोलिक पार्ट होगा, अरे फिनॉल ही ना NaOH में जा करके सॉल्युबल होगा, फिनोलिक पार्ट ही तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा। तो ऑप्शन या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, इतना तो हम लोग को मालूम पड़ गया। लेकिन Br2CCl4 के साथ अरे यार ओनली वन मोनोब्रोमो प्रोडक्ट है तो ऑप्शन सी। अगर इसका Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यार कौन एक्टिवेटर है याद आ रहा है? यही ना जीतेगा OH, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर।
तो या तो इसका ऑर्थो लगेगा, पैरा तो ब्लॉक डी है, तो अब तुम एक ही ना प्रोडक्ट बनाओगे, या तो ये बनाओ कि या तो ये बनाओ, दोनों तो सेम ही है ना, तो यू विल गेट ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी. क्लियर है? यस सर. और बोलो. सिक्स्थ वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व करता है, ट्रीटमेंट इज ब्रोमीन, इट गिव्स ट्राई ब्रोमो, यार ये हो जाएगा OH है और CH3 है, इसमें डालो ब्रोमीन, कहाँ कहाँ लगेगा बताओ? ट्राई ब्रोमो है तो कहाँ कहाँ लग सकता है? यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, तो ऑप्शन हो गया. आंसर इज सी. अरे ऑर्थोपेराडेटर होता है ना OH. और बोलो. बोलिए सर. क्वेश्चन 19. क्वेश्चन 19 में सबसे पहले तो कर लो क्या, रेमर-टेमेन रिएक्शन. अब यार कहां अटैक करें, कहीं भी अटैक करो, OH के पैरा पोजीशन पर अटैक कर दो भाई, और तो मत करना, स्टेरिक हिंडरेंस लग जाता है यहां पर. तो पैरा पोजीशन पर अटैक करो, ये तो रेमर-टेमेन रिएक्शन है, सीधा यहाँ CHO पहले डाल दो, ये तो हो ही गया. इसके बाद तुमने बेसिक मीडियम डाला है CH2I2, तो बेसिक मीडियम का मतलब है जरूर आकर के एक एसिडिक एच को निकाला होगा. अब थोड़ा ऑप्शन से चलते हैं, ये O- आया होगा, ये OH आया होगा, और आप लोग को मालूम होना चाहिए O- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये O- अटैक करेगा, आई बाहर निकलेगा. SN2 mechanism. फिर से बेस आया होगा, बेस दिया ही है, ऑप्शन से देखो, बेस आपको यूज करो जितनी बार यूज करना है, फिर से वो माइनस बना होगा, ये फिर से SN2 रिएक्शन. क्या है, सिंपल सा तो केस है, ये CH2, ये भी हो CH2. आंसर सी होना चाहिए. अब सी का मौसम चल रहा है सर, रिएक्शन के बाद से CHO ऑर्थो पोजीशन पे नहीं आएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल नहीं. यहाँ पर जब देखो, जब एक रहता है सब्स्टिट्यूटेड वाला, जब सब्स्टिट्यूटेड वाला रहता है तब वो कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन जब दो दो रहते हैं तो फिर तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट कर जाता है. क्योंकि ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ का तो ये इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा बनाकर बैठा हुआ है, इसको क्या देगा बगल में. ओके सर. ठीक है. ओके सर. और एक बार ऑप्शंस भी देख लेना. और बोलो कौन सा सर? 17 कर सकते हैं. 17 तो फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो कौन सा, मैं रिएक्शन का नाम भूल रहा हूँ, फ्राइज रीअरेंजमेंट ना. यस सर. हाँ, याद आया फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता था, इसको OCOCH3 है, ये घूम करके इधर आता था, मैकेनिज्म देखना यहाँ पर. हाँ सर, याद है. हाँ, याद है. हाँ जी सर. चलो और बताओ सर, छोटा सा डाउट है, एट में सर सी क्यों नहीं हो सकता? कौन सा सर? एट वाले में. एट जी सर. एट में होता क्या है, ये जो ऑर्थो बेंजो क्विनोन है ना, यहाँ पर यार देखो, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन नहीं करेंगे क्या? अच्छा हाँ सर. ओके, उसके कारण वो हो जाए. हाँ, इसीलिए ज्यादा स्टेबल लोग ये बोलते हैं, दोनों दूर दूर रहो यार, बेटर है, बिकॉज ये नया से नेगेटिव खींचेगा, नया से नेगेटिव खींचेगा, रिपल्शन करता है, दिस इज मोर स्टेबल. ओके सर.
तो एथ में और एक छोटा डाउट था सर, नोट्स में एक्चुअली सर ने बोला था कि जब फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो फिनोक्विनोन मार्क कर दे, बट आंसर ऑप्शन ए ही दिया है। जो फिनॉल का क्या नहीं दिया हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल है या मतलब डाइल्यूटेड फिनॉल, ऐसा सब नहीं दिया है तो तब पैरा बेंजोक्विनोन में तो कौन सा मार्क करना है, तो फिनोक्विनोन मार्क करने को बोला है सर ने, ऑप्शन डी। ओके रुक जाओ यार, हाँ फिनोक्विनोन भी तो बनता है वैसे हवा के साथ, ये तो सच बात है, बहुत अच्छा कंपाउंड बनता है। यार ये थोड़ा डिबेटेबल तो है, बिकॉज ये बनता तो है यार, ये इसमें फिनोक्विनोन भी बनता है यहाँ पर, पता नहीं ये तो थोड़ा इन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बट फिनोक्विनोन भी बन सकता है यार, चलो इसका तो कुछ नहीं बोल सकते अभी। चलो और बोलो कौन सा सर, 14th और 15th बता सकते हैं एक बार? देखो फिनॉल के साथ क्या है, फिनॉल जैसी PCl5 के साथ रिएक्शन करता है ना, ये PHCl बनाता है प्लस POCl3, बट ये POCl3 तुरंत फिनॉल के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो फिनॉल को मौका ही नहीं देता है पूरा कंप्लीटली रिएक्शन करने का, और ये शायद बना लेता है PHOP3 शायद, फिनाइल फॉस्फेट है ये, रुको एक बार देखने दो, रिकॉल करने दो, ये बना देता है फिनॉल का, रुकना हाँ ये बना देता है ये, हाँ याद आया ये बना देता है, इसको बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, तो इसीलिए यील्ड थोड़ा कम हो जाता है, क्लियर है, फैक्चुअल डेटा है याद रखना, समझा? यस सर। फिनॉल के साथ जैसी PCl5 बना, वो PCl5 के साथ तुरंत रिएक्शन करके वो अपना फिनॉल को ही रिएक्ट कर दिया, तो फिनॉल को मौका ही नहीं दिया। और बोलिए कौन सा सर, क्वेश्चन 20 सर, 15th में भी था डाउट। ओके 15th होम असाइनमेंट 4 का 15th फिनॉल विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, वो तो फैक्चुअल डेटा है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है याद रखना पड़ेगा ना, SO में तो खुद ही अभी याद नहीं आ रहा, SOCl ये शायद होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो यहां से H निकल जाता है HCl, नाम देख लेना इस मॉलिक्यूल का, जो फैक्चुअल डेटा है वही है, ठीक है। सल्फोनिक एस्टर, सल्फोनिक एस्टर दिख ही रहा है, आंसर क्या सी दिया हुआ है क्या? हाँ सर सी है, दिख ही रहा है सल्फोनिक एस्टर दिख ही रहा है, और हिंसबर्ग रिएजेंट यही होता है। और बोलो 20th डाउट है क्या? हाँ सर, एसिटोफिनोन तो ये होता है, इसका करेंगे दिस इज बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, CH3COOPH, थोड़ा नोट्स देखना, पीएच का मेटी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, PHOH प्लस CH3COH, और उसके बाद फिनॉल में जब डालेंगे थैलिक एनहाइड्राइड, तो बहुत फेमस रिएक्शन है मालूम है, एक इंडिकेटर बनता है, इंडिकेटर का नाम फिनोफ्थिलीन, इसका मतलब जरूर तुम्हारा इंडिकेटर डी ए है,
और क्या पूछ रहा है, बी कौन सा है, सी में डाला गया ना, ये सी है और ये बी है। चलो और बताओ, क्लियर है? यस सर। सर गेट इक्विप्ड का फर्स्ट। हमारे पास कंपाउंड है एसिटाइल क्लोराइड में ऑक्सीजन का, अच्छा कंपाउंड में बहुत सारे ओएच ओएच ग्रुप्स हैं, अब मालूम नहीं है कितने ओएच ग्रुप्स हैं, मान लो एन ओएच ग्रुप्स हैं, इसमें डाला गया है एसिटाइल क्लोराइड आर सी ओ सी एल, तो ये क्या करेगा, अगर आप लोगों को रिएक्शन याद हो तो ये ओ सी ओ आर बनाएगा, याद आ रहा है ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। अब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 190 दिया हुआ है और ओरिजिनल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, एक चीज बताओ ओरिजिनल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास था कितना, C4H10O3 कितना हो जाएगा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास C4H10O3 कितना हो जाएगा, 4 × 12 कितना, 48 प्लस 10 प्लस 48 106। तो इसमें क्या हुआ, इस कंपाउंड का 190 में क्या हुआ, 190 बेसिकली क्या हुआ, ओरिजिनल में से 106 में से क्या क्या हुआ, n टाइम्स, n यहां पर क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, n टाइम्स हाइड्रोजन का मास गया और n टाइम्स किसका मास आया उसके बदले, तो ये CH3COCl है ना, और n टाइम्स CH3CO ऐड हुआ, CH3CO का मास कार्बन का हो जाएगा 12 × 27 + 16 = 43, तो 42N = 84 आ रहा है, वाह N2 आएगा आंसर, बी होना चाहिए आंसर, ये समझा? यस सर। फोर्थ वाले में डी ऑप्शन उठा लो, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, कहाँ अटैक करेगा और इनको ब्रेक ओपन करेगा, टर्शियरी अल्कोहल है ना, बी से मिलेगा ना, हाँ सॉरी 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 सेकेंडरी मिलेगा, बी में मिलेगा ना, बी में देखते हैं, ETCOCH3 है ना, टर्शियरी अल्कोहल है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अटैक करो निकल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल यही होता है ना, बी आंसर है, क्लियर है? और बोलो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कहां बनेगा, सी ऑप्शन मार दो टिक, 15th का सी ऑप्शन में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना, यस सर, बस ये ऑप्शन में तो सीएल का लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, ट्वेंटी फिफ्थ वाले में PHCH2 है, ठीक है यार, PHCH2 है, CHME है, OH है, इसमें लिया गया है पहले पोटेशियम, पोटेशियम लिया गया है तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा O माइनस, इसके बाद इसमें डाल दिया गया है ETOTS, O माइनस अटैक करेगा, OTS बाहर निकलेगा,
ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है, यहां पर सी और ओ का बॉन्ड तो ब्रेक हुआ नहीं, तो अगर ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है आर, मान लो मुझे नहीं मालूम क्या होता, तो ये भी आर ही रहेगा, क्यों, ये बॉन्ड कहां ब्रेक हुआ है, पूरा काम तो ओ और एच के बॉन्ड में हुआ है, लेकिन अगर टीएससीएल लगाएंगे तब सबसे पहले तो यहां पर सीएल बनेगा, याद आ रहा है सबको रिएक्शन आर ओ एच प्लस टीएससीएल RCL, उसके बाद तुम C2H5O- जब लोगे तो मान लो ये R था तो ये भी R होगा, बट इसके बाद तो SN2 होगा, अब ये S बन जाएगा, इसका मतलब अब समझ में आ गया, आप कर लोगे ना, पहले में आर का आर ही क्यों रह गया, बिकॉज आपका जितना भी कहानी चल रहा है वो इस बॉन्ड पे चल रहा है, ओ और एच के बॉन्ड में, यहां का बॉन्ड नहीं टूट रहा है ये येलो वाला, इसका आर का आर रह गया, बट यहां पर तो ये बॉन्ड टूटा है, इस केस में ये बॉन्ड टूटा है, यहां पर भी जो ग्रीन से दिखा रहा हूं, तो यहां पर तो इन्वर्जन होगा ना, इन्वर्जन हो जाएगा तो आर और एस बन जाएगा सर, बट प्रोसेस में तो उन्होंने ओ और एच का ही तोड़ा है, किसमें, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, ओ और एच का जब टूटेगा तो जो ये वाला साइड है यहां से जो रिएक्शन आ रहा है उसमें तो ओ और एच का बॉन्ड टूटा, तो ये आर है तो आर ही रह गया, और दूसरे साइड में देखो ना ये बॉन्ड टूटा है ना, इसे अभी जो ग्रीन दिखा रहा हूं, रुको रुको रुको, इसका TSCL है ना, ROH, हाँ ठीक है, जब TSCL बनता है तो TSCL के साथ ये बॉन्ड टूटता है ये ब्लू वाला, तो फिर से वो R का R ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बॉन्ड टूटता है, लेकिन जब C2H5O- अटैक करेगा तब तो ग्रीन वाला बॉन्ड टूटा, तब तो R का S हो गया, अरे अब क्लियर हुआ, हाँ यस सर, और बोलो सर, आप 11 कर सकते हो, देखो एसेटल का सिंपल शॉर्टकट है, उस कार्बन पे जाओ जिससे दो एच बना हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बॉन्ड ब्रेक करो, हाइड्रोलिसिस करते समय यहां ओ एच लगाओ, यहां एच लगाओ, इस कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक करो, OH लगाओ, H लगाओ, एक ही कार्बन पर दो है, ब्रेक कर दो, आ गया आंसर, ये डायरेक्ट होता है एसेटल का, जब भी कोई क्वेश्चन आया उस कार्बन पर जाना हो, ठीक है, उस कार्बन पर बॉन्ड ब्रेक करो, यहां लगाओ H, यहां लगाओ OH, सॉरी यहां लगाओ H, यहां लगाओ OH, फिर इस बॉन्ड ब्रेक करो, यहां लगाओ OH, यहां लगाओ H, H2O बाहर निकाल दो, आ गया आंसर, ठीक है, समझा जी सर, आंसर सी होगा, 26 स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हेक्साइन, हेक्साइन क्या करेगा, BULI क्या करेगा, एसिडिक एच निकालेगा, निकालो एसिडिक एच, फिर ये करेगा अटैक, उसके बाद बनाएगा H प्लस, क्या करेगा,
OH. सिंपल सा तो है, फिर लिनलाज कैटलिस्ट क्या, इसमें क्या डाउट है, सिस फॉर्म कन्वर्ट करेगा, वो सिंपल सा तो क्वेश्चन है. सिस फॉर्म, उसके बाद पीबीआर थ्री क्या करेगा, आरओएच में पीबीआर थ्री क्या करता है, बीआर लगा जाएगा, सिस फॉर्म वाला. चेक कर लो आंसर में, सिस फॉर्म वाला बीआर कौन है, बी दिख रहा है, आराम से मारो टिक, आगे बढ़ो. समझा? यस सर. फिनॉल में सबसे पहले बन जाएगा स्लाइसलिक एसिड, स्लाइसलिक एसिड के बाद Al2O3 डालते हो ना, एस्पिरिन बनता है. Al2O3 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. Al2O3 एसिटिक एसिड से पानी निकाल करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ एस्पिरिन बना देता है. 31st वाले में क्या डाउट हो गया, फर्स्ट वाले में पहले प्रोटोनेट करो, प्लस लाओ. नहीं नहीं ये OH का प्रोटोनेशन नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर O का यूज करना है, तो उन्होंने क्या किया होगा, अरे ये H+ इसको अटैक किया होगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर प्लस आया होगा और ये इसको अटैक कर गया होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह. आ गया आंसर, समझा? हाँ सर. हाँ ठीक है ना, पहले उसको अटैक कर दो और फिर वही लोन पे अटैक करके घूम करके उसी प्लस को अटैक कर दिया. अच्छा ओके सर, सो आंसर सर इसका वो हो जाएगा, आंसर देखो कौन सा मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा सर, डी है सर इसका. हाँ डी हो जाएगा. हाँ डी हो जाएगा. सो 30 सेकेंड में अभी हम लोगों ने जस्ट किया था, सी ऑप्शन दिया है क्या आंसर? अभी हमने जस्ट दिया है ना, अभी मैंने जस्ट बताया था ना, अभी डायोक्सिन बनता है. क्लियर है? यस सर. अभी जस्ट बताया था. सर 34th में सी और डी में कैसे डिफरेंशिएट किया? 34th वाले में तुम अगर अटैक करोगी तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पर ज्यादा स्टेबल होगा ना, इस बगल वाले पर, क्यों? रेजोनेंस मिलेगा ना. हाँ तो रेजोनेंस मिलेगा तो जरूर है यहाँ अटैक किया होगा और फिर यहाँ बीआर लग जाएगा और क्या. समझा?
हो गए सबके और सर 43rd वाला सर 33rd सर 43 सर 43 43 विच गिव गुड यील्ड ऑफ इथर यार पहला वाला तो सही लग रहा है दूसरा वाला में वो भी सही लग रहा है तीसरा वाला भी सही लग रहा है लास्ट वाला नहीं देगा ना लास्ट वाले में अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस को अगर तुमने डाल दिया 2 डिग्री हैलाइट के साथ अरे 2 डिग्री भी छोड़ो 3 डिग्री हैलाइट एलिमिनेशन दे देगा ना ईथर कहाँ से देगा हाँ सर ओके आंसर ए बी सी होना चाहिए चेक करो आंसर सर ए सी है आंसर 43 बी क्यों नहीं है बी हाँ बी भी नहीं होगा सर सॉरी बी भी नहीं होगा बी क्यों नहीं होगा बिकॉज यहाँ ओ माइनस आएगा और याद रखना इस पर मत कर देना एस एन टू ये मत कर देना इथर बिकॉज फिर से ये बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है रेजोनेंस के कारण अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है मत करा देना यहाँ पर एस एन टू एस एन वन एराइल हैलाइड्स डू नॉट गो एस एन टू एंड एस एन वन सर 49th में भी है सर मेटाक्लोरोपाइरबेंजोइक एसिड में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये वाला है क्यों ज्यादा अल्फा एच है यहाँ ज्यादा अल्फा एच है दो इधर हैं तीन इधर हैं तो ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा वहीं तो अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा आंसर लुसी जी सर और इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी क्यों है ज्यादा एसिडिक एच है ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है सर वैसे फिर डीबीए है सर डीबीए का आंसर है सर ओके आफ्टर हाइड्रोलिसिस भी तो पूछ रहा है और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा हाँ सर ओके okay, हाँ हुआ कि और करना है तुम लोग को हाँ बोलो सर ड्यूटेरियम रेडियोएक्टिव होता है ड्यूटेरियम तो नहीं है ट्रिटियम होता है सर क्योंकि विशाल सर ने बोला था कि वो बीटा माइनस डिके करेगा उसका मोस्ट स्टेबल ड्यूटेरियम का कौन सा ड्यूटेरियम D2-1 ना नहीं आईडिया यार इसका सर बट एनसीईआरटी में लिखा है कि सिर्फ ट्रिटियम ही करता हाँ वही तो मैं वही से बोल रहा हूँ मुझे वही लगा है सर बट विशाल सर ने ऐसा बोला ओके और बोली कोई डाउट इसमें चलो ठीक है रखें फिर हाँ जी सर सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए हाँ रिकॉर्डिंग भेज रहा था जी बाय